कि स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। जिनकी सड़ी गली मानसिकता है, जो हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की प्रस्तियां पैदा करते हैं, तो हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं। कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। पार्टी में जैसे प्रमोद कृष्णन थे कांग्रेस के, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, वैसे वो भी समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा अपने तीखे बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। इसे लेकर उन्हें कई बार विपक्ष के साथ साथ अपनी ही पार्टी तक के नेताओं की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। कई बार तो उनके बयानों से उनकी ही पार्टी यानी सपा ने भी अपना पल्ला तक झाड़ लिया है, और कई बार स्वामी प्रसाद को विवादित बयान से बचने की हिदायत तक दी गई है। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान देने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार स्वामी प्रसाद ने अपनी ही पार्टी के एक विधायक को भाजपा का एजेंट बता दिया है। ये नेता और कोई नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे हैं। अब इसका बेहतर उत्तर वही दे सकते हैं जो इस प्रकार का आरोप लगाया है। जिनकी सड़ी गली मानसिकता है, जो इस देश के आदिवासियों दलितों पिछड़ों पर जुर्म जाति अत्याचार करना अपना अख्तियार मानते हैं, जो हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की परिस्थितियां पैदा करते हैं, तो हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपके ही पार्टी के नेता है वो। पार्टी में जैसे प्रमोद कृष्णन थे कांग्रेस के, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, वैसे वो भी समाजवादी पार्टी में है लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा कि जो इस देश के आदिवासियों दलितों पिछड़ों पर अत्याचार करना अपना अधिकार मानते हो, जो हमारे लिए जानवरों से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर करने की परिस्थितियां पैदा करते हैं, वो हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले रायबरेली की उचाहर सीट से विधायक और सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा था कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए वो बार बार विवादित बयान दे रहे हैं। साथ ही पार्टी की नसीहत के बावजूद भी वो मान नहीं रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य विक्षिप्त हो चुके हैं। स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं, इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ऐसा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए गए सवालों पर कहा था, जिस पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है।